हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी एक दाल की रेसिपी जिसमें हम यूज़ करेंगे अंडा। तो देखिए, 3 अंडे लिए हैं मैंने और थोड़ा नमक के साथ मैं इसको बॉईल कर लूँगी। और लाल दाल लिए हैं जिसको हम बंगाल में बोलते हैं मसूर दाल, इसको हम बॉईल कर लेंगे। थोड़ा सा नमक और गर्म पानी यूज़ करेंगे ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए। मैंने यहाँ पर दाल लिया है करीब 120 ग्राम। इसको मैंने आधा घंटे पहले अच्छे से धोकर भिगो के रखा था। और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए वीडियो में आगे हम देखते हैं। ये दाल बहुत ही हेल्दी है और साथ में टेस्टी भी है। तो देखिए, अंडे मैंने बॉईल कर लिया है। आज थोड़ा जल्दी जल्दी में एक अंडा टूट गया था, लेकिन कोई बात नहीं, खाऊंगी तो मैं ही ना, तो चलेगा। आप थोड़ा धीरे से बनाइएगा तब कि मतलब अंडा अच्छे से बॉईल हो जाए। तो देखिए, हमारा दाल लगभग बॉईल हो गया है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा झाग आ रहा है। इसको हम धीरे धीरे चम्मच से इसको उठाकर हम छानकर फेंक देंगे, जो ऊपर का झाग है। ये जो डिश है बहुत ही हेल्दी है और साथ में टेस्टी भी है। इसमें हम ज़्यादा मसाले भी यूज़ नहीं करेंगे। अभी मैं दाल में दे रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, करीब 1 चम्मच। अब दाल में तभी हल्दी देना जब ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए। तो मैं इसको दाल घुटनी के सहारे इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं दाल घुटनी। इससे क्या होता है, जो दाल होता है ना, वो अच्छे से हम फेंट सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा दे दिया है तेल, करीब 2 बड़े चम्मच से थोड़ा कम। 3 अंडों में मैंने दे दिया है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। मैं आज इसमें लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं करूँगी पूरा का पूरा दाल में। तो मैं अंडे भी सिर्फ नमक और हल्दी के साथ ही इसको मैं फ्राई करूँगी। तो देखिए, मैंने अंडे में थोड़ा थोड़ा चीरा भी लगाया था। अंडों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये डिश आप बच्चों को भी खिला सकते हो और ये बैचलर्स के लिए भी बहुत ही मज़ेदार डिश है, जल्दी बन जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को चॉप कर लिया है, 1 टमाटर और 1 इंच अदरक, 3 ग्रीन चिलीज और 4-5 लहसुन की कलियों को साथ में मैंने कूट लिया है। अंडे मेरे फ्राई हो गए हैं, अभी मैं इसको निकाल के रख दूंगी। थोड़ा सा साबुत जीरा और 1 ड्राई चिली इसको मैंने तोड़ के उसी तेल में डाल दिया है। तब तक हम मसाले का घोल बनाएंगे, जिसमें मैंने अंडों को हल्दी और नमक के साथ मैरिनेट किया था उसी बोल में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम धनिया पाउडर मैं इसमें डालूंगी। आधा चम्मच से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर, क्योंकि मैंने हल्दी दाल को बॉईल करते वक्त भी दिया था। थोड़ा सा जीरा पाउडर और अंडे को फ्राई करते वक्त भी मैंने हल्दी दिया था। तो ये गया प्याज कढ़ाई में, इसको हम अच्छे से भूनेंगे। अगर आप इस डिश को बच्चों के लिए बनाओगे तो आप इसमें ग्रीन चिली एकदम कम दे सकते हो और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। देखिए, प्याज हमारा लगभग भून चुका है। अभी हम इसमें टमाटर, ग्रीन चिली अदरक और लहसुन का जो मैंने एक रफली पेस्ट बनाया हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है। 1 इंच अदरक, 4-5 लहसुन की कलियाँ और 3 ग्रीन चिलीज को मैंने कूट के साथ में एक पेस्ट बना लिया था। ये जो टमाटर है ये थोड़ा मतलब कच्चा था, थोड़ा हार्ड होगा तो इसको हमें बॉयल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हमें चलाते रहना है। ये जो डिश है बैचलर लोगों के लिए बहुत अच्छा है और जो भी वर्किंग वूमेन है वो भी ये इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। हमने ढक दिया है करीब 2 मिनट के लिए।
जब भी आप थके हारे घर पे आओ अपने काम से, तब इसको आप जल्दी जल्दी बना सकते हो और ये हेल्दी भी है साथ में। आधा चम्मच नमक। अभी टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें नमक दे दिया है। अभी हम इसमें दे देंगे अपना मसाले का घोल भी। सभी को अच्छे से मिलाएंगे। पाँच मिनट के लिए ढक देंगे। पाँच मिनट हो गया है, इसको हम अच्छे से फिर से चलाएंगे। अभी हम इसमें दे देंगे अपना दाल। तो दाल काफ़ी थिक लग रहा है, आप इसको इतना भी थिक बना सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा इसको पतला बनाऊंगी, तो इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल दूंगी। एक छोटे बोल के अमाउंट जितना पानी मैं इसमें दे दूंगी, वही गर्म पानी यूज़ करूंगी जो मैंने दाल को बॉयल करते वक्त बचा के रखा था। थोड़ा सा ही दूंगी, ज़्यादा नहीं। इसको अच्छे से मिलाएंगे अभी हम। इसको हम ढक देंगे करीब 6-7 मिनट के लिए। देखिए दाल में उबाल आना एकदम शुरू हो गया है। अभी हम अपना अंडा दे देंगे इसमें, जो अंडा हमने फ्राई करके रखा था वो भी डाल दिया है। इसको हम ढक देंगे करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गया है। मैंने बीच में एक बार ढक्कन उठा के देखा था तो मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, तो मैंने इसमें आधा चम्मच नमक दे दिया है। आप इस समय नमक को चेक कर सकते हो, अगर नमक कम है तो थोड़ा आप नमक दे सकते हो। तो देखिए हमारा डिश रेडी है, गैस हमने बंद कर दिया है और आधा चम्मच घी मैंने दिया है, आधा चम्मच से भी कम एक्चुअली मैंने घी इसमें दे दिया है। अभी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर हम इसमें देंगे, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और फिर से 2 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही स्टैंडिंग मोड पे रख देंगे। आप इसमें ज़्यादा अंडे भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारा डिश एकदम तैयार है। तो देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है। आप भी इसको घर पर बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना है। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।